यूपी पंचायत चुनाव में तमाम बीडीसी के नेता चुने गए, तमाम सदस्य चुने गए, लेकिन इनमें से आपको बता दें कि फरूखाबाद का जो मंजीत है वो काफी अलग है और उसकी जिंदगी काफी अलग तरीके से वो जीता है। क्यों खास तरीके से जीता है और कैसे जीता है मंजीत अपनी जिंदगी, आइए आपको दिखाते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। फरूखाबाद के सिरावली गांव के बीडीसी मंजीत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे देखने वाले देखते ही रह गए। 6 साल की उम्र में आटा चक्की के पट्टे में हाथ चले जाने से मंजीत के दोनों हाथ काटने पड़े। जिंदगी अपाहिज हो गई, पर मंजीत ने हिम्मत नहीं हारी। हाथ काटे जाने के बाद मंजीत ने पेन को मुंह या पैर से पकड़ा और हाई स्कूल की परीक्षा 66% अंकों के साथ पास करके दूसरों के लिए एक मिसाल बनाई। मंजीत की जिंदगी काफी कष्टमय रही है। जब उसके साथ ये हादसा हुआ तब वो सिर्फ कक्षा 6 का छात्र था। इसी दौरान उसने समाज सेवा की ललक के साथ बीडीसी का चुनाव भी जीता। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक राजेश कृष्ण को लोगों ने मंजीत के बारे में बताया तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, पर जब मंजीत ने मुंह से पेन पकड़कर हस्ताक्षर कर दिखाए तो उनके मुंह से भी दुआएं निकली। मंजीत ने बताया कि उसने दृढ़ इरादा करके पढ़ाई शुरू की और मुंह और पैरों से पेन पकड़ना मुश्किल था, पर लगातार अभ्यास से उसने ये भी कर दिखाया। स्कूल में सर जाते नहीं थे, घर पे पढ़ते रहते थे, कभी कभी किताब ले लेते थे तो पढ़ने बैठ जाते थे और मुंह से लिखा करते थे, घर पे प्रैक्टिस करते रहे, उसके बाद में स्कूल में पास आया। मंजीत के पिता राम शरण ने बताया कि उनके बेटे मंजीत के दोनों हाथ कटने के बाद उन्होंने मंजीत का मनोबल बढ़ाया, जिसके बाद उसने आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाई और ये मुकाम हासिल किया। कहते हैं कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये कहावत मंजीत ने सच साबित कर दिखाई है। आज मंजीत अपने पैरों और होठों के सहारे पेन पकड़कर लिखाई पढ़ाई कर लेता है। यही नहीं, उसने अपने मुंह से मोबाइल पर कॉल करना भी सीख लिया है। मंजीत का यही जज्बा सलाम करने लायक है। फरूखाबाद से श्री न्यूज के लिए अनिल वर्मा की रिपोर्ट।